है। गुफा में शेर। सुंदर वन के जंगलों में एक शेर रहता था, लेकिन शेर भूख की वजह से बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए वह शिकार नहीं कर पा रहा था। और उसी जंगल के एक गुफा में एक चतुर लोमड़ी भी रहती थी। एक समय की बात है, लोमड़ी अपने गुफा से बाहर निकलकर जंगल की सैर करने के लिए जाती है, और उसी दिन शेर भी अपने खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ समय तक शिकार ढूंढने के बाद शेर को कोई शिकार नहीं मिलता है। तब शेर ने सोचा, चलो थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ। तभी शेर को एक गुफा दिखाई देती है। फिर शेर ने सोचा कि हो सकता है कि गुफा में कोई शिकार मिल जाए। उसके बाद वह शेर भोजन की तलाश में गुफा के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसके बाद शेर को लोमड़ी के पैरों के निशान गुफा में दिखाई देते हैं। फिर शेर समझ जाता है कि इस गुफा में लोमड़ी रहती है। उसके बाद शेर ने सोचा कि अभी मैं इसी गुफा में रुक जाता हूँ, जब लोमड़ी आएगी तो मैं उसे मारकर खा जाऊंगा और अपनी भूख शांत करूंगा। कुछ समय के बाद लोमड़ी अपने गुफा की ओर वापस आती है। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचती है तो देखती है कि गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान तो हैं, लेकिन गुफा से बाहर आने के निशान नहीं है। वह लोमड़ी बहुत चालाक तो थी कि लोमड़ी ने गुफा से बात करने का नाटक किया और गुफा से कहती है कि हे गुफा महाराज, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लेकिन गुफा में से कोई आवाज नहीं आती है। लोमड़ी की बात शेर भी सुनते रहता है। जब गुफा में से कोई आवाज नहीं आती है तो लोमड़ी ने एक बार फिर से आवाज दी कि गुफा, ए गुफा, आज आप मुझे यह नहीं बता रहे हैं कि अंदर आना है कि नहीं। रोज तो आप मेरा स्वागत बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन आज आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए मैं अंदर नहीं आऊंगी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनने के बाद शेर सोचता है कि गुफा तो कुछ नहीं बोल रही है, इससे अच्छा मैं ही जवाब दे देता हूँ, नहीं तो लोमड़ी भाग जाएगी। इसके बाद शेर जोर से कहता है कि आ जाओ लोमड़ी बहन, गुफा में कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर लोमड़ी समझ जाती है कि गुफा में अभी भी शेर मौजूद है, इसलिए वह वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। इस तरह लोमड़ी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उस शेर से अपनी जान बचाई, और उस दिन शेर को भूखा ही रहना पड़ा। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर इस तरह की कहानी लाते रहते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।